क्योंकि जिस आदमी ने तुम्हें ना तुम्हारी पॉटी उठाई है, तुम्हारा पॉटी साफ किया है और तुमको आज तक यहां तक पाल के आया है, जिस कंडीशन में भी उसकी हैसियत थी उस वहां तक, तो वो आदमी गलत तो नहीं है। तुम्हें बहुत थकाया जाएगा इस जर्नी में, इस प्रोसेस में तुम्हें बहुत थकाया जाएगा। हम आज भी थक रहे हैं इस प्रोसेस में, बराबर है? पढ़ाई तो खत्म हो गई, एग्जाम में साली जो खत्म ही नहीं हो रही। बात बहुत डीप थी, जरा समझना कि पढ़ाई है साली वो तो खत्म हो गई, कि जिंदगी की एग्जाम है जो खत्म ही नहीं हो रही। तो ऐसा है, आपका सिर्फ सीए एग्जाम ही एग्जाम नहीं है, लाइफ में बहुत टेस्ट आते हैं यार, लाइफ में बहुत टेस्ट आते हैं। आपके सामने एक बहुत बड़ी बात रिवील करने जा रहा हूं, शायद मेरे को इसके लिए बहुत मार भी पड़े और बहुत गालियां भी पड़े, दर्शन सर माफ करना। दर्शन सर पिछले 22 दिनों से जब आपका फास्ट ट्रैक ले रहे लॉ का, आई डोंट नो, शायद मैं अकेला व्यक्ति हूं जिनको पता है एग्जैक्टली उनके घर पे सिचुएशन क्या चालू है। एंड ही इज गोइंग थ्रू अ ट्रिमेंडस इशू। टचवुड, भाभी अभी के साथ वैसा कुछ नहीं, वैसा वाला इशू नहीं, हेल्थ इश्यूज चालू है कंटिन्यूअसली। एंड इसके बावजूद भी, मतलब वो आदमी के पास कंप्लीटली ऑप्शन था कि मैं इस फास्ट ट्रैक को ऑफ कर देता हूं, ठीक है, और शायद लेक्चर डाल देता हूं, मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। ही सेड नहीं, ठीक है यार, प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहेंगी, इस चीज को करना बहुत जरूरी है। एंड ही डिड इट। बहुत कम लोग समझते हैं, सी एज अ स्टूडेंट हम कितना देखते हैं, ये मेरा लेक्चर था, ये हुआ ये नहीं हुआ, एज अ स्टूडेंट हम इतना ही देखते हैं। But teachers do have life also, क्योंकि वो यहां होते हैं अपना सब कुछ छोड़ करके। जिस टाइम पे हम लेक्चर ले रहे होते हैं, हम ना कॉल उठा पाते हैं, इनफैक्ट हमारे फैमिली में भी इमरजेंसी आ जाए तो कॉल नहीं उठा पाते। नॉट जस्ट वी एज अ टीचर, एवरी टीचर इन द वर्ल्ड, यस। सो ये बहुत पेनफुल प्रोसेस है, दिखने को बहुत अच्छा दिखता है, क्या टीचर है, मल्टीप्लाई है, यू नो, व्हेन वी मल्टीप्लाई द अमाउंट वी ऑल्सो मल्टीप्लाई आर इश्यूज, हम इश्यूज पे ध्यान ही नहीं देते। यू टेक एनी टीचर, उसका बस एक ही रोना है, क्या यार मैं मेरे फैमिली को ही टाइम नहीं दे पा रहा, मैं मेरे बच्चे को ही टाइम नहीं दे पा रहा। एंड दिस हैपेंस विद ऑलमोस्ट एवरीवन, यस। तो आप बताइए, पढ़ाई तो खत्म हो गई, एग्जाम आज भी जारी है, ठीक, आपके साथ भी ऐसा ही होगा। 50 तरीके के लोग मिलेंगे, 50 तरीके की बातें करेंगे और 50 तरीके की एडवाइस देंगे। ये आपके ऊपर है कंप्लीटली, आपको किसकी एडवाइस लेनी है किसकी नहीं। पॉइंट एक। पॉइंट दो, 10 खुदा रखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मीन टू से, आप एक ही सब्जेक्ट के 10 अलग अलग टीचर से कितने ही चीजें पढ़ ले, पढ़ाने का तरीका बदलेगा, कंटेंट नहीं बदल सकता। एक बात समझिएगा, इससे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता और कुछ नहीं। एकदम दिल से बात बता रहा हूं, जो गलतियां तुम कर सकते हो मैं वो बता रहा हूं, क्योंकि तुमसे पहले मैं फेल हुआ तो मेरे को फेल का स्वाद तुमसे पहले पता है, बराबर है? लेकिन मैं तुमको हक से एक बात कहना चाहता हूं, और वो ये कि घंटा फर्क नहीं पड़ता फेल होने से। मेरी बात वापस से सुनिए, घंटा फर्क नहीं पड़ता फेल होने से। तेरे अंदर अगर स्किल है, तेरे अगर अंदर हिम्मत है और तेरे अंदर जज्बा है कि साला तू पैदा गरीब हुआ है पर मरेगा गरीब नहीं, जिस दिन तूने ये दिमाग में डाल दिया उस दिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। तू मराठी मीडियम से पढ़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता, तू गुजराती मीडियम से पढ़ा है, कन्नड़ मीडियम से पढ़ा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब तू सीए में एंट्री ले रहा था तब ये तेरे से किसी ने पूछा भी नहीं तू कौन से मीडियम से आएगा, तेरे को 99% थे या तेरे को 35% थे, तेरे को सेम रखा इस लेवल पे। इसका मतलब क्या है, तेरे को सेम देखा जाता है, समझ आ रही है बात? और तू उतने ही जोश से आगे बढ़, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, पांच अटेम्प्ट, 10, अगर तेरी दिल से इच्छा है कि तेरे को निकलना ही है, हाँ, रॉन्ग वे में डायरेक्शन में तू चलेगा ये रॉन्ग होगा। कुछ गलतियां जैसे आप बेसिक करते हैं, पहली गलती, दिन भर, 4 दिन में पूरा ड्यूटी खत्म कर दूंगा 10-10 घंटे बैठ के। प्लीज ये नशे बंद करें, ऐसा कोई सब्जेक्ट के साथ मत करें, क्योंकि ना उस सब्जेक्ट के साथ आप जस्टिस कर रहे हैं ना किसी और सब्जेक्ट के साथ। सिंपल स्ट्रैटेजी, द वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी इज 2 या 3 आर मैक्स टू 1 सब्जेक्ट। ऐसे अगर आप 2 ग्रुप दे रहे हैं तो मेक श्योर आप दिन में 5 टॉपिक पढ़ ले, 5 सब्जेक्ट पढ़े, राइट, जिनमें एटलीस्ट 2 से 3 थ्योरी हो तो ज्यादा बेटर है और 2 प्रैक्टिकल हो।
अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हैं तो एटलीस्ट 3 से 4 टॉपिक आपको रोज पढ़ने चाहिए, जिनमें से छोटे पार्ट्स पहले कंप्लीट कर दो, जैसे कंपनी लॉ का अदर लॉ वाला पार्ट हो गया, जैसे डीटी आईडीटी में आईडीटी वाला पार्ट हो गया, इनको पहले निपटाओ। समझ आ रही है बात? डू गिव टेस्ट सीरीज। आप लोग बहुत सारे बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन तो करते हैं, लेकिन आपको भी पता है आप क्या करते हैं, पीडीएफ ले लिया, सेव करके रख लिया और इस पेपर को कभी दिया ही नहीं। ज्वाइन ही मत करो। फिर ज्वाइन क्यों करना है? ज्वाइन कर रहे हो तो शिद्दत के साथ ज्वाइन करो कि पेपर दोगे। अब फिर एक मार्क का ही क्यों ना लिख के आओ, लिख के आओ, वहां जाके बिज्जती कराओ, तुमको समझ आएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हैव अ पर्पस। जब तक ना एक पर्पस ना हो, आदमी दिशाहीन घूमता रहता है। एक पर्पस चाहिए कि मुझे ये करना क्यों है, व्हाई आई नीड टू डू दिस। एंड इफ यू आर, अगर आपको ये नहीं पता ना कि करना क्यों है, तो आपको करना कैसे का जवाब कभी मिल ही नहीं सकता। करना क्यों है ये ज्यादा ढूंढना जरूरी है। क्या मैं सच में चाहता हूं मेरे को ये करना है? क्या मैं सच में इसी चीज के लिए बना हूं? असेस कीजिए अपने आप को, कोई और आपको नहीं बता सकता। एंड अगर आपको दिल से ये लगता है ना कि ये कोर्स आपके लिए नहीं है, या आप आए तो थे, सोचा था करेंगे, पर अब मूड नहीं है, प्लीज डोंट डू इनजस्टिस विथ यू। क्योंकि जिस चीज में मन नहीं ना, बिना मन के किया गया काम कभी सफल होता ही नहीं। जेन्युइनली लगता है कि साला इसको करना ही है मेरे को, मैं बना ही इस चीज के लिए हूं, तो आपको करना पड़ता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका दोस्त जो आपके बाजू बैठा था, वो एक अटेम्प्ट पहले आगे चले गया, उसकी आर्टिकल शिप शुरू हो गई, आर्टिकल शिप में 6 महीने हो गए, दिखाने के लिए वो खुश दिखा रहा होगा, आर्टिकल शिप में उसकी क्या लग रही है उसको ही मालूम है। क्योंकि हम सबका एक स्वभाव है, लगी कितनी भी हो, जब पूछता है कोई भाई कैसा है, बस सब ठीक, बराबर है ना। ये सब ठीक से पहले ना एक बस आता है जो तुम्हारे मन में, जो तुम्हारे बस में है नहीं। बस सब ठीक, ये बस जो है ना, यही वो बस है जो तुम्हें घुमा रही है, राइट? फैंटास्टिक बोलोगे तो समझ में आएगा, तब तक नहीं। एंड हाँ, एक बात, इस पूरे प्रोसेस में एक व्यक्ति जिनसे आप बहुत दूर हो जाते हो ना, वो है तुम्हारे पेरेंट्स। व्हाई? बिकॉज प्रोसेस ही ऐसी है, प्रोसेस ही ऐसी है कि तुमको इतना टाइम अपने ऊपर देना होता है कि तुम किसी और के लिए बनते ही नहीं हो। पेरेंट्स, इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड, और यू इफ यू आर फीलिंग और यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, क्योंकि है ना क्या होता है पता है, इस कोर्स के अंदर में कई बार इस कोर्स, सीए हो गया, सीएस हो गया, सीएम हो गया, डॉक्टर हो गया, एडवोकेट हो गया, पुलिस भर्ती हो गई, ये इतने पेनफुल प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आप अपने ऊपर ध्यान देते वक्त ना आप दोस्तों पे ध्यान देते हो, ना परिवार पे ध्यान देते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। यू माइट बी नोइंग फैमिली में क्या चल रहा है, यू आर कंसर्न्ड फैमिली में क्या चल रहा है, बट आप अभी हेल्पलेस हो, क्योंकि कई बच्चों के घर में फाइनेंशियल इश्यूज चालू है, ये उनको पता है, तो वो सोचते हैं अपन पार्ट टाइम जॉब कर लेते, पार्ट टाइम यू नो पढ़ लेते। नहीं होता ऐसे, पार्ट टाइम करने वाला कोर्स होता ना तो बीकॉम से ज्यादा सीएस सीएमए एडवोकेट पुलिस होते हैं। समझ में आ रही बात? एंड ऑनेस्टली, तुम्हारे घर का जितना फाइनेंशियल इशू है ना, उसको तुम कुछ भी करके सॉल्व नहीं कर सकते, ये एकदम फैक्ट है, अग्री करोगे कि नहीं? तुम्हारे घर का फाइनेंशियल इशू है 2 लाख, तुम्हारी अर्निंग कैपेसिटी बनती क्या 2 लाख? आंसर इज नो। तुमने कितना भी कर लिया, तो तुमने यहां से 20 महीने भी काम कर लिया तो नहीं बनती, क्योंकि मार्केट में तुम्हारा वैल्यू क्या है एज ऑफ नाउ? 0। तुम सिर्फ 12th पास हो, शायद कुछ लोग बीकॉम भी, अदरवाइज तुम्हारा मार्केट में रेपुटेशन 12वीं पास का ही है, ये तुमको समझना पड़ेगा। सर हम तो इंटर में आ गए, मार्केट नहीं समझता ना इंटर में, इंटर मार्केट तुमको 12th पास गिनता है, दैट टू विदाउट स्किल। ना तुमको कंप्यूटर आता, ना तुमको टैली आता, ना तुमको एक्सेल आता, ना तुमको वर्ड आता। सर हमने आईटी पढ़ा है, ईआईएस पढ़ा है, घंटा क्या पढ़ा तुमने? भाई के जैसे बोल रहा हूं, ईमानदारी से देख, गलत मेरे वर्ड्स को गलत मत लेना, दिस इज हाउ यू नो हाउ टॉक, हाउ आई टॉक, बट आप सभी को पता है मेरा वो कभी ये नहीं रहा है, एकदम आपके लेवल पे आकर के बात कर रहा हूं। क्या पढ़ा तुमने ईआईएस? तुमको भी मालूम है ना क्या पढ़ा? ठीक है, कुछ लोगों ने उसको मेमोरी टेक्निक में पढ़ा, कुछ लोगों ने उसको एकदम बहुत भारी का पढ़ा, जिसने जैसा पढ़ा, जिसने जैसा पढ़ा,
द पॉइंट इज तुमको इतना तो भी मालूम है क्या कौन से केबल को किधर डालते हैं? आंसर इज नो. एंड इफ दिस इज द तुमको हमको नहीं मालूम, हमने तो तुमसे ज्यादा पढ़ा, तुमको तो फाइनल में है नहीं, हमको तो फाइनल में भी 100 मार्क को था, तो हमको ही नहीं मालूम. तुमको क्या मालूम, तो तुम्हारे अंदर स्किल क्या है? जीरो. स्किल क्या है तुम्हारा? जीरो. द पॉइंट इज पहले स्किलेबल बनना पड़ेगा. तुम हर बार अपने मम्मी पापा को जाके अरे मैं पढ़ तो रहा हूं रिजल्ट नहीं आ रहा तो क्या ये वो, एक बात समझ, पहले अपना गेम ऊंचा कर फिर अपनी आवाज ऊंची करना. उनके लिए तू एक डेड इन्वेस्टमेंट है एज ऑफ नाउ, और ये फैक्ट है, पहले एक्सेप्ट कर इस बात को. तेरे ऊपर लाख डेढ़ लाख दो लाख रुपए खर्चा किया है अब तक, ज्यादा कम नहीं. आउटपुट क्या दिया तूने? एकदम सिंपल. सपोज तुम्हारे डैड को कुछ नहीं समझता गेम गणित, सीए क्या है ये वो, कुछ नहीं समझता. उस आदमी को इतना तो समझता, भाई मैंने 1.5 लाख लगाए, मेरे को पास का रिजल्ट देते, काम खत्म. मेरा आउटपुट पास का रिजल्ट है, क्या दे रहे अपन उसको? कुछ नहीं. तो वो आदमी कहां गलत है ये बताओ. मैं ये बोल रहा हूं कि वो आदमी गलत नहीं है, मैं ये बता रहा हूं तुम्हारे पेरेंट्स गलत नहीं है. थिंकिंग डिफरेंस एक दूसरे की हो सकती है, पर वो आदमी तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचेगा, क्योंकि जिस आदमी ने तुम्हें ना तुम्हारी पॉटी उठाई है, तुम्हारा पॉटी साफ किया है और तुमको आज तक यहां तक पाल के आया है, जिस कंडीशन में भी उसकी हैसियत थी वहां तक, तो वो आदमी गलत तो नहीं है. सिर्फ नजरिए की बात है, हो सकता है जिस चीज को आप 6 देख रहे हो मैं 9 देख रहा हूं. समझ आ रही है ना बात? जिस चीज को आप 6 देख रहे हैं मैं 9 देख रहा हूं, इट्स ओके. और ये सब छोड़ यार, तो अपने जितने हिंदू लिटरेचर है अगर वो भी उठा ले, महाभारत में भी अपनों से ही लड़ना पड़ा था ना, लड़ना तो अपनों से ही पड़ा था ना, अपने आप से लड़ना पड़ा था. किसको बताइए? कृष्ण जी जिसके सारथी थे. कौन? अर्जुन को अपने आप से लड़ना पड़ा था. बराबर. अगर हम सिर्फ अर्जुन की बात से आपको थोड़ा सा दिखाएं, अर्जुन को लड़की बनना पड़ा. अगर आप थोड़ा सा भी महाभारत जानते तो लड़की बनना पड़ा, छुपना पड़ा. देखिए कितनी अच्छी चीज है कि आपको आपके लाइफ से कुछ चीज मिल सकती. पहला लड़की बनना पड़ा, दैट इज भेष बदलना. छुपना पड़ा, एग्जाइल में जाना. आप अभी एग्जाइल में हो, इस बात को समझ के चलो. और जब एग्जाइल में होते हैं, एग्जाइल में हमारे राम जी भी गए, एग्जाइल में हमारे कृष्ण जी भी गए. कितने? 14 साल, 28 अटेम्प्ट्स. मैं आपको 28 अटेम्प्ट्स देने नहीं बोल रहा हूं, पर 14 साल. श्योर, भगवान जैसे को भी एग्जाइल में जाना पड़ा, तो ह्यूमन है रे. समझ आ रही बात? फेलियर का सामना तो खुद भगवान जी ने भी किया. यस, कृष्ण जी को खुद एक बार रण छोड़ के जाना पड़ा, दैट इज महाभारत का रण छोड़ के जाना पड़ा. हुआ तो डिफीट ही, हुआ तो डिफीट ही. राम जी को खुद एक बार जाना पड़ा, उनके उनके पास से सीता मैया को लेकर के चले गए, डिफीट तो वहां पे भी हुई. अंत में तो भगवान ही बने ना. व्हाट मैटर्स इज द एंड एंड नॉट द प्रोसेस. आई रिपीट, व्हाट मैटर इज द एंड एंड नॉट द प्रोसेस. समझ आ रही है बात? प्रोसेस इज अ पार्ट, आप एंड तक के सब पहुंचोगे. इस बीच कई लोग छूटे, राम जी से अपना खुद का भाई, अपना खुद का घर, अपने खुद के मां बाप. कृष्ण जी से भी तो सेम हुआ. बात समझिए, बराबर है? मैंने बाकी के लिटरेचर इतने पढ़े नहीं, शायद मैं उस बारे में नहीं बता पाऊंगा, बट मोटे मोटे तौर पे आप कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दीजिए, रिलीजन के ऊपर नहीं. क्योंकि हमारी पढ़ाई हमें यही सिखाती है कि पढ़ाई और ज्ञान सबसे बड़ा है, बाकी भगवान तो जो अपने अपने मान रहे हो आप वो सही है. राइट? आप सोच के देखना मेरे भाई, क्या नहीं हुआ? सब हुआ. इसलिए कृष्ण जी का नाम रण छोड़ भी पड़ा. तो आप, ऐसा हो सकता है कई बार आपको ऐसा लगे कि मैं छोड़ दूं और फिर आप वापस आ जाओ, इसलिए उन्हें रणछोड़ भी बोला जाता है. राम जी के साथ भी सेम हुआ. कई बार कोई साथी मिल जाएगा, शायद कोई इस तरह का फास्ट ट्रैक मिल जाए जो आपको इंडिया से श्रीलंका तक का ब्रिज बना दे. यस, कोई नहीं तो कुछ तो मिल जाएगा मेरे भाई. लाइफ तेरा इतना तो खराब नहीं. और इन सबके ऊपर की एक बात बोलता हूं, तेरे अंदर स्किल है ना, ये डिग्री नहीं भी लिया तो भी तू स्किलेबल रहेगा. ये कोर्स इतना तो तेरे को सिखा ही देता है कि तू अपने आप को जिंदा रख दे फेल होने के बावजूद भी. समझ में आई बात?
बट ऑब्जेक्टिव ये नहीं है हमें फेल होना है, ऑब्जेक्टिव ये हमें पास होना है। तुम जितने यहाँ पे फास्ट ट्रैक में दिख रहे हो ना, सीए फाइनल के रेगुलर बैच का ये वन मतलब यू नो 300% है। सीए फाइनल रेगुलर बैच जो होती है, क्या लगता है आपको कितने बच्चे होते हैं? बहुत कम, 100 में से 6% बच्चा पास हो रहा है। सोच के देख, मतलब सीए फाइनल में कितना पहुंचा? 6। सोचना मेरे ब्रो, 6% 6 व्यक्ति पहुंच रहा है, उस 6 का भी कितना परसेंट क्लियर कर पाएगा तू, ये सोच। मतलब प्रोसेस फनल है, एक फनल इमेजिन कीजिए, बड़ा बेस छोटा आउटपुट, बहुत सारे आएंगे प्यूरिफाई होकर के बहुत कम बाहर जाएंगे, समझ आई बात? ये एक फनल है, बिल्कुल मत घबरा, बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे बीच में। मैं तेरे को बताता हूँ, फाइनेंशियल इशू आएंगे, मेंटल इशू आएगा, हेल्थ इशू आएगा। चलिए मैं आपसे एक बात कहने जाता हूँ जो मुझे लगता है मैंने आपके साथ जरूर शेयर करनी चाहिए आज, द लास्ट पॉइंट। आप सभी को बताता हूँ, मेरा बर्थडे था और मैं बर्थडे पे यहाँ पे नहीं रहता, आपको मालूम है क्योंकि बहुत दिंगाने होते हैं। आज भी उधर इंदू लाल पे पुलिस आई, फाउंडेशन के बैच में इतना दिंगाना हुआ कि पुलिस आई एट द एंड। तो ठीक है, वो जो भी है, मैं कल मुंबई गया था बर्थडे के दिन। मुंबई क्यों? बहुत कम लोग शायद जानते भी और नहीं भी जानते दैट आई हैव 6 अडॉप्टेड स्टूडेंट्स, आई हैव 6 अडॉप्टेड चाइल्ड्स। मेरे घर पे नहीं, स्वास्तिक है एक, बट एजुकेशन पर्पस से मैं हर साल एक बच्चे को एजुकेशन वाइज अडॉप्ट करता हूँ कि उसका पूरा एजुकेशन का कॉस्ट अपन बेयर करते हैं। दिस इज अ हैबिट ऑफ माइन एज वेल एज दर्शन सर, ये हमारा है। सो कल एक बच्ची से मिला, बच्ची का डिस्क्रिप्शन आपको देता हूँ, नाम नहीं बताता सर। बच्ची का डिस्क्रिप्शन क्या है, 10th में बच्ची के 92%, कितने 92%, कोविड फर्स्ट वेव डैड गॉन। उसने और उसकी मम्मी ने काम करना चालू कर दिया, 12th का एग्जाम लास्ट पेपर, ये घर से निकली है, इधर मम्मी ऑफ। उसके घर पे बताया तक के नहीं कि ऐसा हो गया, मामा को फोन आ गया चलती गाड़ी में कि ऐसा हो गया, मामा ने कुछ नहीं बोला, मामा चुपचाप इसको लेकर के गया। लड़की पूछ रही एग्जाम हॉल में, काय झालं मामा, काय नहीं वाला तू पेपर दे, मैं बघतो काय आहे ते विषय। 3 घंटा बच्ची ने पेपर लिखा है, वापस आकर के देख रही है घर का सीन ये है, उसका कोई बचा ही नहीं। 12th 95%, शी स्टार्टेड डूइंग सीए, इट वाज ऑन एनजीओ जिसके साथ ये रही, स्टार्टेड डूइंग सीए। क्या गंदा होना लाइफ ने। एक हफ्ते पहले, इसका प्रोसेस होता है पूरा जब आप किसी के लिए ये करते हो, तो एक हफ्ते पहले मैंने उससे ऐसे गूगल मीट पे बात की है। कल मुंबई गया, उसके पूरे बाल उड़े हुए, डिटेक्टेड विद कैंसर 6 डे अगो, और कीमो के चक्कर में उसके पूरे बाल गए। जस्ट एक मिनट के लिए थॉट देके देखिए, आपके पास क्या तकलीफ है। और लड़की का जज्बा सुनिए सर, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि क्या है। देख, पैसा कमाना लाइफ का एक पर्पस है, लाइफ का गोल नहीं, मेरी बात वापस सुन, पैसा कमाना लाइफ का एक पर्पस है, क्योंकि मैं खुद बोलता हूँ इनकम टैक्स में पहले इनकम है और बाद में टैक्स है। पर उस लड़की के पास कुछ बचा ही नहीं, पर फिर भी वो लड़की क्या बोल रही है आपको पता है? मतलब मैं उसके सामने जाके भावुक हो गया, क्योंकि मैं गया ही उसी के लिए था, मैं ही भावुक हो गया। तो मेरे को क्या बोलती है मालूम है, बोला विजय भैया, बोले मैं फाइनल करे बगैर तो नहीं मरती, बोले रोने का कोई काम नहीं, बोले फाइनल हुए बगैर तो मैं नहीं मरती, रोने का कोई काम नहीं, बोले। और मैं जो इतने सारे बच्चों से मिलता हूं, बच्चों के प्रॉब्लम क्या है, पप्पा मान नहीं रहे। बच्चों के प्रॉब्लम क्या है, सर मेरा मन नहीं लग रहा। बच्चों के प्रॉब्लम क्या है, सर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, उसका प्यार है, उसका ऐसा है, उसका वैसा है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। उस लड़की के पास ना अपना कहने वाला कोई बचा नहीं है भाई,
कीमो के लिए बच्ची अकेले जा रही है, तुमको समझता भी है कीमो क्या होता है और क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है? अकेले जा रही है बंदी। एंड आई वॉज लाइक क्या? और ये स्टेटमेंट उसके बाद कि सर जब तक फाइनल नहीं होता तब तक तो मैं नहीं मरती, मतलब अगर किसी आदमी को पता है कि वो जाने वाली है वो क्या करना चाहेगी? लाइफ जीना चाहेगी, जितना है उतना घूमना चाहेगी, पैसा हो नहीं हो। जब आदमी के पास पैसा नहीं है तब तो वो और अच्छे से घूम सकता है, क्योंकि ना रहने का टेंशन ना खाने का टेंशन, कहीं ना कहीं से कुछ तो मैनेज हो ही जाता है दिन का। और कुछ नहीं तो हर जगह गुरुद्वारा तो है ही जो हर एक की भूख का ध्यान रखते हैं। सर क्या थॉट है उस लड़की के पास, मेरे को बताओ आगे चल के। कैंसर जैसा बीमारी है यार, आगे देखने वाला नहीं, पीछे देखने वाला नहीं। एंड दिस इज द सिचुएशन एंड स्टिल सी सेज मेरे को करना है। तुम सोच के देखो तुम्हारा प्रॉब्लम कितना बड़ा है यार। पेरेंट्स तुम्हारे साथ है, दे आर रेडी टू एक्सपेंड ऑन यू, यू हैव फ्रॉम गॉड्स ग्रेस एवरी गुड हेल्थ। सोच के देखना तेरे को क्या रोक रहा है। क्या होता है, अपने प्रॉब्लम हमेशा बड़े दिखते हैं, दूसरों के नहीं दिखते हैं, पर दूसरे भी शायद बहुत बड़े प्रॉब्लम से गुजर रहे हो। यस, इस प्रोसेस के दौरान ऐसा भी होता है कि तुम्हें कुछ नशे की आदत हो जाए। मैं आपको अपफ्रंट बोलता हूं, होता है। देखिए मैं खुद इस प्रोसेस से गुजर चुका हूं, ये सारी चीज हो चुकी है, इसलिए आपको बोलता हूं। आउटपुट कुछ नहीं है, करना है जिंदगी का नशा करो, सक्सेस का नशा करो, बाकी है सेंसिबल नहीं है, बस इतना आपको बोल सकता हूं। यस, तो एक निश्चय करके जाना, एग्जाम को एग्जाम बोल के नहीं करियर बोल के लिखना, एग्जाम को एग्जाम बोल के नहीं करियर बोल के लिखना, और उस सीरियसनेस के साथ अगले लगभग 60 डेज डॉट, यहां से 60 दिन डॉट है आपके पास, अगले 60 दिन उस सीरियसनेस के साथ प्रिपेयर करना कि ये 60 या तो आपकी जिंदगी को राइट साइड में टर्न लेकर के ऊपर लेके जाएंगे, और आपको तो पता ही है अगर फेल होगा तो आप में से बहुत से लोग यहां से स्ट्रेट आउट है, बराबर है ना? और फिर ऑप्शंस क्या है वो आपको भी मालूम है। लेट अस नॉट गो इनटू दैट स्पेयर, मेक श्योर यू हैव अ राइट टर्न एंड यू गो अप, बराबर है। मिलूंगा आपसे सीधे फाइनल्स के अंदर में, तब तक के लिए आपका अपना बिज्जू थैंक यू बोलता है, साइनिंग आउट। बाय बच्चों।